ताज़ातरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल में अपने भाषणों से चुनाव के बाद हिंसा भड़काने के आरोप में अभिनेता एवं भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती से डिजिटल माध्यम से बुधवार को पूछताछ की। उत्तरी कोलकाता के मणिकतला पुलिस थाने के अधिकारियों ने 10:20 पर अभिनेता से पूछताछ शुरू की। चक्रवर्ती इस समय पुणे में हैं। एक अधिकारी ने कहा कि आखिरी सूचना मिलने तक पूछताछ जारी थी। पुलिस थाने में दर्ज एक प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि अभिनेता ने भाजपा में शामिल होने के बाद यहां एक रैली में मारवो एखने लाश पोर्वे शोसाने, जिसका मतलब है तुम्हें मारूंगा तो लाश शमशान में गिरेगी, और एक चुबोले चावी, जिसका मतलब है सांप के एक दंश से तुम तस्वीर में कैद हो जाओगे, जैसे संवाद कहे थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित होने के बाद राज्य के कई हिस्सों से झड़पों की खबरें मिली थीं। चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में लौटी। अदालत ने याचिकाकर्ता और अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई 18 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय से याचिका दायर की है। चक्रवर्ती ने याचिका में कहा कि उन्होंने केवल अपनी फिल्मों के संवाद बोले थे। खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।